वन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो है मैं मम्मी के घर मुझे अचानक से आना पड़ा, उसकी खुशबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसको दिखाकर फिर मैं वापस चली गई थी। फिर से उसकी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से उसे इतनी तेज़ 102 फीवर आ गया था। तो फिर से रात को, कल रात को 1 बजे हम वापस आए यहाँ पर, और वापस आने के बाद जो है पहले तो वो उसका फ़ीवर उतर गया था मेडिसिन देने के बाद, लेकिन फिर से उसे फ़ीवर होना शुरू हो गया। और रात को फिर हम सुबह 3 बजे जो है मैं अपने ब्रदर के साथ, हस्बैंड जो है मुझे अपने घर पर छोड़कर चले गए थे। वो इसलिए छोड़ के चले गए थे कि अभी फ़ीवर नहीं था, वैसे तो हम डॉक्टर को ही दिखाने आए थे कि बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो अगर फ़ीवर नहीं होगा तो डॉक्टर भी मेडिसिन नहीं देगा। तो उस वक्त जो था फ़ीवर उसको रुक गया था, हो नहीं रहा था, तो फिर मेडिसिन देने के बाद, लेकिन फिर से उसको जो है 3 बजे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। तो 3 बजे सुबह हमें कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे ब्रदर को अभी कार वगैरह ऐसे कुछ नहीं चलानी आती है, तो एक्टिवा पे लेके जाना था, तो हमें कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी रात को। तो फिर सुबह 3 बजे हमने वैसे तो वेट किया, लेकिन फिर उसका फीवर कम नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं तुम जाओ, वेट मत करो। फिर हम सुबह 3 बजे उसको लेकर गई अच्छे से कवर करके। रात को इतनी रात थी, पेट्रोल डलवाया हमने इतनी रात को। तो फिर उसके बाद जो है हम डॉक्टर के पास उसे लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी में उसे उसकी स्लिप बनवाई, इमरजेंसी में डॉक्टर ने ये बोला कि अभी जो है हमने फ़ीवर चेक कराया उसका, हमने घर पे चेक किया था तो 102 था, जब डॉक्टर ने चेक किया तो 104 फीवर उसको हो रखा था। और मैंने ठंडे पानी की जो है पट्टियाँ वगैरह भी रखती रही, लेकिन 104 फीवर तो बहुत ज़्यादा हो गया था, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। 104 फीवर के बाद फटाफट से उसे जो है डॉक्टर ने मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह लिखी, तो फिर हम उसको घर पे ले आए और उसको जो है फटाफट से मैंने मेडिसिन दी, उसका फ़ीवर कम हो गया था। लेकिन अब फिर शाम को उसे फ़ीवर हो गया, और अभी मैं अपनी मम्मी के पास ही रह रही हूँ। एक बच्चे को घर पे छोड़ कर आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रखी है, समझ में ही नहीं आ रहा, फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा, पहले ठीक हो जाता है फिर दोबारा, मतलब 1 महीना हो गया है मुझे इसी तरह से चक्कर काटते हुए डॉक्टर्स के पास। और छोटे वाले बेटे को कभी बीच में चली जाती हूँ, कभी वापस आ जाती हूँ, यही चल रहा है अभी, तो देखती हूँ जो है, इसलिए आपको अपडेट दे रही थी। बीच बीच में आपके मैसेजेस का भी इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जो है उसकी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर है उसे। तो अभी मैं यहीं पर रह रही हूँ, देख रही हूँ, कोशिश करूँगी अगर जो है 2-4 दिन में छोटे वाले बेटे को भी यहीं पर वापस ले आऊँगी, पहले इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि वायरल है, दूसरे को फैलता है, लेकिन जब तक ये प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाता मैं इसको वापस नहीं लेकर जाऊँगी, यहीं पर रहूँगी मम्मी के पास, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर जो है वो पास में है, हमारा थोड़ा विलेज एरिया पड़ता है, वहाँ इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है उसकी मेडिसिन अच्छी है, इसको लग भी गई थी, तो यहीं पर दिखाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो यहीं इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी अपडेट दी है। आई होप आप प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए दिल से प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से जल्दी इसका फ़ीवर ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी रूटीन जो है वो फॉलो कर सकूँ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।